Hi friends, Shantanu again. आज एक व्लॉग बनाने जा रहा हूँ अपनी टाटा टिगोर के साथ. मुंबई जाने का प्लान है. हाईवे का जर्नी देख लेंगे थोड़ा सा, गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है वहाँ पे वो भी देख लेंगे. मुंबई में मेरा एक दोस्त है, उसके पास जाने वाले हम लोग, और वहाँ से शायद लियोपोल्ड कैफ़े जाने का प्लान है. लियोपोल्ड कैफ़े वही है जहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ था होटल ताज के साथ. वहाँ पे भी इनोसेंट लोग मारे गए थे, टेररिस्ट लोगों ने मारे थे. तो या वो देख लेंगे और गाड़ी का परफॉर्मेंस भी देख लेंगे उसके साथ. सो स्टे ट्यून्ड. और बस इतना कहना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस ना करें, और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्लीज़ दबा दीजिए. ओके, तो जैसा आप लोग देख सकते हैं हाईवे पे हम लोग आ गए हैं, और ज़्यादा खुला रास्ता फिलहाल तो नहीं है. एक्सपेक्टेड है कि एक्सप्रेसवे पे हमें खुला रास्ता मिल जाए, और एक्सप्रेसवे जल्दी आने वाला है. हम लोग दो ढाई घंटे तक मुंबई में होने चाहिए, उसके बाद तो मुंबई के ट्रैफिक का ऊपर वाला मालिक है. हाईवे का ट्रैफिक फक. उतर तो मुंबई ट्रिप के तो लग गए हैं, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया, छोटा नहीं कह सकते, अच्छा खासा एक्सीडेंट हुआ है, और दिखाऊंगा मैं आपको पूरा. ये देख लेते थोड़ा सा, ये जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ उसका बंदोबस्त हो गया है आगे, और उसके बारे में बात नहीं करेंगे. लेट्स सी. हम लोग देख सकते हैं हम लोग वहाँ से आ रहे थे सामने से, और एक आदमी यहाँ से उल्टा जा रहा था सर्विस रोड की तरफ, उसने वहाँ पे टर्न लिया और ये हो गया. यहाँ पे हम लोग देखेंगे बिट्स एंड पीसेस. प्रोजेक्टर हेडलैम्प पूरा चला गया है, ये लैम्प फूट गया है. यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प है लेकिन पूरा टूटे फूटे हालत में है. वाह, पत्रा गया है यहाँ पे, बम्पर गया है, यहाँ से ये भी बाहर आया है. इस साइड में कोई दिक्कत नहीं है इतनी. और यहाँ पे घिस के गया है फिर से. मैंने वार्निंग लाइट लगाए, इंडिकेटर तो फिलहाल चालू है. एक चीज महसूस की मैंने अभी, जबरदस्त टक्कर लगी है गाड़ी को, जबरदस्त टक्कर मारा था. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये अलॉय व्हील को भी काफी लगा है. यहाँ पे ये पूरा यहाँ से घिस गया है, यहाँ पे भी टायर घिस गया है अच्छा खासा. जबरदस्त टक्कर लगी है, देखते ही समझ में आ रहा है. लेकिन बिल्ड क्वालिटी ऑफ टाटा, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है. हम लोग अंदर बैठे थे, हम लोगों ने सीट बेल्ट लगाया था, मेरे साथ प्रसाद है,
प्री टेंशनर और लोड लिमिटर का फील हमें आ गया उस सीक्वेंट में। फोन जो ट्राइपॉड पे लगा हुआ था वो ट्राइपॉड से उड़ के नीचे गिर गया, लेकिन सीट बेल्ट की वजह से हम लोग बच गए। तो गाइज प्लीज़ सीट बेल्ट पहना करिएगा। एक्सीडेंट्स कब हो सकते हैं कुछ कह नहीं सकते, हमारी गलती नहीं होती है, लेकिन एक्सीडेंट्स सामने वाले की वजह से भी हो सकते हैं। मैं देखने वाला हूँ गाड़ी अभी ऑन चालू करके और चला के देखने वाला हूँ कुछ अंदर गड़बड़ तो नहीं हुई, क्योंकि टायर को भी अलॉय व्हील को भी ठोकर बैठी है तो वो देख लेते हैं। टक्कर तो काफ़ी ज़बरदस्त लगी थी दोस्तों, बस मैं देखना चाहता हूँ कि इंजन में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, कोई ऑयल या फिर कूलेंट फटा तो नहीं है या फिर ऐसा कुछ। ये तो ओके लग रहा है, यहाँ पे ABS EBD भी स्टेबल लग रहा है, मतलब जैसा हिला हुआ नहीं लग रहा है। एयर फिल्टर ओके, ऑयल ओके है, बैटरी की पोजिशनिंग भी ओके, रिलेज का भी बॉक्स ठीक है। आई डोंट थिंक इंजन में कुछ गड़बड़ हुई है, बस लाइए इसे चला के ही देख लेते, तब पता चलेगा कि और क्या क्या कौन से पुर्जे ढीले पड़ गए। हम इसे चालू करके देख लेते हैं। पोस्ट तो हो गया पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इंजन चालू हुआ, सिर्फ हैंड ब्रेक का लाइट है, बाकी और तो कोई लाइट नहीं है। हो स्टेयरिंग में गड़बड़, व्हील को शायद जो पटका लगा था। आप देख सकते हैं स्टेयरिंग अलाइनमेंट पूरा चला गया है, स्टेयरिंग छोड़ देता हूँ तो गाड़ी लेफ्ट में चली जाती है और स्टेयरिंग थोड़ा सा राइट की तरफ टिल्टेड होता है, तब गाड़ी सीधा चल रही है। स्टेयरिंग अलाइनमेंट पूरा गड़बड़, गियर में तो वैसे कोई खास दिक्कत नहीं, स्टेयरिंग पूरा गया, स्टेयरिंग पूरा टिल्टेड हो गया है गाड़ी, और बहुत ज्यादा लूज लग रहा है स्टेयरिंग बहुत ही ज्यादा लूज लग रहा है, डर लग रहा है मुझे गाड़ी चलाने में। ये कौन कहां से आए पता नहीं, फिर से स्टूपिड पीपल। खैर किसी को ब्लेम करके क्या फायदा, इसीलिए इसे एक्सीडेंट कहते हैं, दुर्घटना। अच्छा, जिसकी वजह से यह एक्सीडेंट हुआ उसका ओके ऑन भी चल रहा है, उसका जो होना था वो हो चुका है, वो मैं पब्लिकली इस वीडियो में कुछ बताना नहीं चाहता। जो हुआ उसके साथ हुआ, भगवान उसको अकल दे कि आगे से वो पी के गाड़ी ना चलाए। दोस्तों पी के गाड़ी प्लीज मत चलाइएगा, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होगा लेकिन आप किसी दूसरे का नुकसान जरूर कर सकते हो, तो प्लीज मत कीजिएगा। वो रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपसे, बहुत बुरी आदत है, आपको दारू पीना है पीजिए, अपने घर में बैठ के पीजिए, आराम से खाना खाइए और सो जाइए, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ मत कीजिए जिससे दूसरों का नुकसान होगा। अब शुक्र है गाड़ी ठुक गई, हम दोनों को कुछ नहीं हुआ, सीट बेल्ट लगाए थे, वरना मेरा शायद नाक वाक स्टेयरिंग पे लग जाता था। अच्छा, गाड़ी की टक्कर गाड़ी को राइट साइड में लगी है, अगर ये सामने लगती थी तो एयरबैग के सेंसर एक्टिवेट हो जाते थे और ये एयरबैग फूट जाते थे, डबल खर्चा होता था मेरे लिए वो, और वो भी किसी और की गलती की वजह से। एक और चीज़ नोटिस की मैंने, गाड़ी हाई स्पीड पे 60 के बाद कंट्रोल नहीं हो रही है, आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है स्टेयरिंग तो अपनी जगह पे, लेकिन व्हील्स लेफ्ट राइट धीरे धीरे हिलने लग रहे हैं। फिलहाल मैं इसे
मतलब अभी इमीडिएटली शोरूम लेके जा रहा हूँ। सर्विस सेंटर, सॉरी, वहाँ पे देख लेंगे कितना क्या है, क्या क्या हुआ है, और क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं ऐसे गाड़ी नहीं चला सकता, पता नहीं और अंदर क्या क्या हो चुका है। हाई स्पीड पे नहीं चलाऊंगा गाड़ी में क्योंकि कंट्रोल ही नहीं हो रही है। काम कर रहे हैं दोनों भी, एसी काम कर रहा है, शुक्र है। थोड़ा सा मुझे इंजन में अलग नॉइज आ रहा है, एक इरिटेट कर रहा है वो नॉइज, मुझे अभी चालू हुआ है, और वो आई एम श्योर कोई तो पार्ट जरूर उसको मतलब कुछ तो हुआ होगा, लेकिन पता नहीं, ये तो अब सर्विस सेंटर वाले पूरा मुआयना करेंगे और फिर ही बताएंगे। ये देखिए मैंने स्टेयरिंग छोड़ दिया, गाड़ी पूरी लेफ्ट को चली जा रही है, कंटिन्यू स्टेयरिंग पकड़ के रखना पड़ रहा है और स्टेयरिंग टेढ़ा पकड़ना पड़ रहा है तब गाड़ी सीधा चल रही है, पूरा अलाइनमेंट चला गया है, मिस अलाइन हो गया है ये, ऐसा गाड़ी चलाना सेफ भी नहीं है। अगर सीट बेल्ट नहीं लगाए थे दोस्त, लगाए होते थे हमने दोस्तों, तो ये शायद हमारा नियर डेथ एक्सपीरियंस था। और टाटा की बिल्ड क्वालिटी को मैं मानता हूँ क्योंकि ना बॉनेट को धक्का लगा है और ना ही इंजन में कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ फटा है, फिर भी एक बार सर्विस सेंटर जाके चेक कर लेंगे और गाड़ी हो सके तो वही छोड़ देंगे। सेकेंड थिंग, मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट्स में बहुत सी बार पूछा है टाटा का आफ्टर सेल सर्विस कैसा है, आफ्टर सेल सर्विस कैसा है, तो आज मौका आया है मुझे वो देखने का, देख लूँगा मैं, और वो वाली एक अलग से वीडियो बनाऊंगा प्योरली सेल सर्विस के ऊपर। अभी हाई स्पीड पे देख सकते हैं आप लोग, मैं 60 के आगे गया हूँ, गाड़ी वाइबल होने लगी, ये देखिए लेफ्ट राइट हो जाती है, तो इसका स्पीड कम ही रखे उतना अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि मैं इतने जल्दी मरना नहीं चाहता। अच्छा खासा प्लान बना था मुंबई जाने का, साले ने ठोक दिया। सॉरी गाइस, दिमाग घूमा है, बुरा भी लग रहा है, गाड़ी में बहुत अपनी प्यार से चलाता हूं, लेकिन किसी और की वजह से जब ऐसा नुकसान होता है तो बहुत बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। और एक चीज यहाँ देखिए, जो प्री टेंशनर और लोड लिमिटर है इसमें, जैसे ही मुझे दिखा वो आ रहा है मेरी तरफ, मुझे लगा नहीं था कि वो पूरा आके मुझे ठोक देगा, मुझे लगा टर्न लेगा, फिर भी मेरा पैर ब्रेक पे गया था, और जैसे ही ब्रेक पे मेरा पैर जाता है, प्री टेंशनर और लोड लिमिटर वाले सीट बेल्ट जब होते हैं, ब्रेक पे हल्का सा भी पैर रहा तो भी ब्रेक सीट बेल्ट को बिना झटके के लॉक हो सकता है, ये झटका जो लगता है लॉक होने के लिए, सीट बेल्ट लॉक होने के लिए ये वाला झटका लगता है, तो बिना झटके के भी वो लॉक हो जाता है क्योंकि ब्रेक पे हमारा पैर रहता है, और प्री टेंशनर और लोड लिमिटर के कॉम्बिनेशन से गाड़ी ये समझ जाती है कि ब्रेक पे पैर है, गाड़ी को रुकना है, पैसेंजर आगे नहीं जाना चाहिए सामने की तरफ। अगर सीट बेल्ट नहीं पहना होता तो मैं कसम से बोल रहा हूँ आपको, आज गए थे, आज नाक तो फूटा ही था हमारा। मुझे ये भी थोड़ा सा फील हो रहा है कि
गाड़ी का जो स्टेयरिंग रॉड है वो हिल रहा है, थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा हिल रहा है वो, तो आप समझ सकते हैं इससे कि कितना इंटेंसिटी से ठुका था वो गाड़ी को आगे। शुक्र से हम लोगों का स्पीड कम था, अगर हमारा स्पीड भी ज़्यादा होता था तो पता नहीं क्या होता था। और थैंक यू सो मच टाटा, थैंक यू, थैंक्स टू योर सुपीरियर बिल्ड क्वालिटी, वरना गाड़ी का तो मेरा चक्का चूर था आज। किसी का नाम नहीं लेना चाहता मैं, लेकिन अगर कोई और ब्रांड की गाड़ी मेरे पास होती थी जो बहुत ही देशप्रिय है अपने देश में, तो 110% बोल रहा हूं मैं आपको, गाड़ी भंगार में देने के लायक हो जाती थी। पूरा बॉनेट से लेके इंजन तक पूरा डैमेज हो जाता था उसका, जो कि नहीं हुआ। बिल्ड क्वालिटी का अंदाजा आप लगा सकते हैं इससे। ओके, तो ये मैं कह रहा था, ये स्टेयरिंग इतना लूज हो गया है, सुपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग लग रहा है। और टोटली मिस अलाइंड, देखिए दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं न्यू टेक एक्सपीरियंस हो गया था, बच गए हम लोग भगवान की कृपा से। इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ इसी नोट पे कि आप सब भी अपना ख्याल रखिए, सीट बेल्ट जरूर लगाते जाइए गाड़ी चलाते समय, और लाइटली मत लीजिए हाईवे पे ड्राइविंग को, क्योंकि आपकी गलती नहीं हो तो भी दूसरा कोई आके आपकी लगा के जा सकता है, जो अभी हुआ है मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो टाटा का, इसे जब मैं सर्विस सेंटर लेके जाऊंगा उस पर बनाऊंगा, मेरे ख्याल से आज शाम को ही मैं इसे लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कोई। तो यस गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आप सबकी दुआ थी इसलिए बच गया आज, गाड़ी का ही नुकसान हुआ सिर्फ, कोई मनुष्य हानि तो हुई नहीं शुक्र से। सो प्लीज़ लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया हो आपको, मुंबई का प्लान तो कैंसिल हो गया तो पता नहीं कितने लोगों को पसंद आने वाला है ये। शेयर कर दीजिए, बिल्ड क्वालिटी के बारे में लोगों को पता चलने दीजिए, और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू अगेन।